ओके नाउ सो वी स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। आई होप मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आपको दिया है उसने उसको ऑलरेडी अपने सबने चेक किया है। यस सर। यस ओके ठीक हाँ है। यस अभी जो फॉर्मूले वो तो डिटेल में मैंने आपको याद रखने के लिए बनाया था। अभी डिटेल में हम एक बार एक्चुअली जो फॉर्मूला लगने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे एंड देन वी विल सी फॉरवर्ड। देखो तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये रेशियो जो यहाँ पे देना है वो रेशियो हम पहले समझते हैं और आई विल लिस्ट डाउन ऑल फॉर्मूलाज और उसके बाद में वी विल सी कि इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। तो देखते हैं आगे। पहला है देखो ये जो थीटा है ना थीटा इसको अगर हम रेफरेंस पकड़ेंगे इफ दिस इज अ थीटा एक ये जो थीटा है अगर मैं इसको रेफरेंस पकड़ता हूं इसको रेफरेंस पकड़ता हूं तो इसके एग्जैक्टली सामने ये जो साइड है ये वाला ये साइड को हम उसका बोलेंगे अपोजिट साइड। इसका नाम क्या है? अपोजिट साइड। ठीक है और इसके बाजू वाला जो साइड रहता है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये आपको शायद पता होगा और ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है। एग्री? यस सर। यस सर। ओके दिस इज अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस। अभी साइन थीटा का जो डेफिनेशन रहता है एक मिनट। ओके नाउ सो दिस इज अपोजिट साइड एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा हमेशा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस रहता है। कॉस थीटा हमेशा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस रहता है। ठीक है ना? और टैन थीटा हमेशा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रहता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता है और इसको समझते हैं और इसको आगे लेके जाते हैं टॉपिक को। तो बेसिक आपको जो भी फॉर्मूले लगने वाले हैं आज हम एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा पढ़ने वाले हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये जो ट्रिग्नोमेट्री में ये इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक यूज ऑफ मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा पार्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। तो ये सबसे सिंपल टॉपिक है। ये सबसे सिंपल टॉपिक है तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं आज फिर आप उसका प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और हम पहले ये ले लेते हैं बाद में भी उधर चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं इसका मैं लिस्ट आपको देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं तो आपको फॉर्मूला लगने वाला है। फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना? एंड नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड एडजेसेंट साइड। तो ये वाले तीन फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं। अगेन ऑल्सो यू रिक्वायर्ड दिस वैल्यू। ये वैल्यू आपको लगने वाला है जैसे कि यहाँ पे आई विल जस्ट प्रिपेयर अ वन टेबल स्मॉल टेबल। ये वैल्यू आपको लर्न कर लेना है। तो इतना अगर आपको पता है तो यू विल सॉल्व एनी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये है यहाँ पे थीटा है। थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री।
एंड थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे आप लिखो साइन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन 30 का वैल्यू हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हाफ रहता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 रहता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 रहता है, और ये साइन 91 रहता है। ओके, कॉस 30 √3/2 रहता है, देन कॉस 45 1/√2 रहता है, कॉस 60 हाफ रहता है। टेन 30 इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये नीचे का 2 2 कट जाएगा तो ये आएगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा √3, और कॉस 90 होता है 0 और टेन 90 होता है 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। सो अभी हम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रॉब्लम्स करने वाले, उसमें आपको ये पता होना चाहिए रेशियो और ये वैल्यूज पता होना चाहिए। ये आपको याद है सबको, ये क्लियर है, इसी का यूज हमें यस करना है सब सर, कुछ, एंड वी विल स्टार्ट यस विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इतना सिंपल टॉपिक है, और विच इंक्लूड्स ऑल द वर्ड प्रॉब्लम, वहां पे क्या सब वर्ड प्रॉब्लम्स है, देखते हैं वन बाय वन। तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ आगे, ये हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले वी विल गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको और एक चीज देखना है, ये वाला चीज भी हम समझते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो भी हम समझते हैं, ये भी हमें लगने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, अगर सपोज एक कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग, और आप यहाँ पे नीचे फ्लोर पे खड़े, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, और आप यहाँ पे खड़े, यू आर स्टैंडिंग हियर, तो आपकी आंख, आई जो लाइन है ना, आई का लाइन जो रहेगा वो बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप इसको टॉप के तरफ देख रहे हैं। सो टॉप के तरफ देख रहे हैं मतलब आप ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल, ये जो एंगल रहेगा इसको बोलते हैं थीटा जो है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब अब आप ऊपर देख रहे हो उसको, है ना, आप क्या देख रहे हो उसको, ऊपर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको दो चीजें रहेंगी, एक तो आप ऊपर देखने वाले हैं प्रॉब्लम में, नहीं तो नीचे देखने वाले हैं। सो हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ते हैं लेकिन बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज होता है हमें पता ही नहीं है। तो हम सबसे पहले उसका यूज ही समझते हैं, क्या यूज है, तो टू फाइंड हाइट, हाइट एंड डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस बाय नोइंग एंगल, बाय नोइंग एंगल। अभी देखो यहां पे क्या है, सपोज अब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट गिनने के लिए मुझे, मैं मुझे जस्ट एंगल मेजर करना है, बाय मेजरिंग दिस एंगल एंड ये जो डिस्टेंस मैं कितना दूर खड़ा है, बाय नोइंग दिस आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सपोज एक कोई यहाँ पे एक पेड़ है, सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये पेड़ है, दिस इज अ ट्री है, एक यहाँ पे दिस इज अ ट्री, ये ट्री का हाइट मुझे गिनना है, यहां तक कितना हाइट है, सो आई कैन नॉट गो एट द टॉप ऑफ द ट्री, मैं पेड़ पे चढ़े बगैर इसका हाइट मैं मेजर कर सकता हूं, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ट्री का हाइट अगर मुझे मेजर करना है तो मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ा रहने वाला हूँ, यहाँ पे जमीन पे खड़ा रहने वाला हूँ, सो ये डिस्टेंस आई कैन मेजर इजिली, सपोज यह है 10 मीटर, और
आई हैव टू मेजर वन एंगल, एंगल मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट से आप ये टॉप को मेजर कर सकते हैं. सो इफ आई नो दिस इज एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ऐसा मुझे पता चला, तो आई कैन इजीली फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल. ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है. तो मुझे ये पता है, मुझे थीटा पता है, मुझे ये साइड पता है, मुझे एडजेसेंट साइड पता है, मुझे अपोजिट साइड निकालना है. सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो इन तीनों को रिलेट करता है, थीटा, एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, ऐसा कौन सा थीटा है? कैन यू टेल मी व्हिच रेशियो इज दिस? टैन थीटा. यस, वी विल राइट अ फॉर्मूला फॉर टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड, सो tan 45, मैं जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लो आपके सामने. tan 40 अपोजिट साइड मुझे निकालना है, ये h है, एडजेसेंट साइड मेरे लिए 10 है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45? टेबल में क्या लिखा हमने? tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1. तो इसका मतलब ये 1 इज इक्वल टू h अपॉन 10, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 10 मीटर. तो पेड़ पे चढ़े बगैर, पेड़ पे मैंने चढ़ा भी नहीं, लेकिन मैंने खाली ये डिस्टेंस मेजर किया और एंगल मेजर किया. ये एंगल मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आप एंगल, और हम घर में भी इसको बना सकते हैं, हम इसको घर में भी बना सकते हैं, ओके. तो ये एंगल मुझे पता हो जाता है बिकॉज मुझे खुद को गिनना पड़ता है, और ये डिस्टेंस भी मैं तो इजिली आई कैन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री विदाउट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री. समझ में आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? यस सर. यस सर. यस सर. ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम यहाँ पे अर्थ पे है, वी आर ऑन द अर्थ, ये मून है. तो बाय यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ मून. मून पे जाने का जरूरत नहीं है, मैं अर्थ पे खड़े खड़े इसका डायमीटर मेजर कर सकता हूं. बाय यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्री I can find the distance of moon from the earth. I can find the distance of sun from the earth. Sun पे तो कोई जा भी नहीं सकता है, लेकिन हमने trigonometry का use करके sun का distance निकाल सकते हैं, moon का distance निकाल सकते हैं, moon का diameter निकाल सकते हैं, sun का diameter निकाल सकते हैं, Jupiter का diameter निकाल सकते हैं, हम सब कुछ सब निकाल सकते हैं. ये use है trigonometry का. समझ में आया? और ये yes, ये सब sir. Yes, sir. ये सब यूज हम ये वाला कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हम इसको 11th 12th में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10th लेवल में क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग का हाइट निकालो, ट्री का हाइट निकालो, इस तरीके के प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो देखते हैं, हम जाते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर. आपको समझ में आया एंगल ऑफ एलिवेशन? एक चीज समझाना रहेगा मुझे. सपोज तो मैंने आपको समझाया कि आप यहाँ पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, ये बिल्डिंग की तरफ आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का टॉप है. जब आप ऊपर देखते हैं, आपका लाइन ऑफ विजन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, आपका लाइन ऑफ विजन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये है, ये आपका लाइन ऑफ विजन है. सॉरी, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये आपका लाइन ऑफ विजन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपको आंख से निकालेंगे जहां पे हम खड़े हैं, और ये जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस इज द टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू यूज. दिस इज द वन पार्ट. दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि सपोज हम बिल्डिंग पे हम खुद खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हियर, और हम नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं. सपोज यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे कोई कार है, उस कार के तरफ हम देख रहे हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा आएगा? हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहेगा. एग्री और नॉट? यस सर. ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा, और हम कार के तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं हम, ये हमारा लाइन ऑफ विजन होगा, ये हमारा होगा लाइन ऑफ विजन. और ये जो हो जाएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एलिवेशन है मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना. समझ में? एंगल ऑफ
डिप्रेशन, देखते बुक में क्या नाम दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही नाम दिया, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ में आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, तो ये थीटा, तो आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन हमेशा पैरेलल रहती है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, एग्री और नॉट? यस सर, ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, फिर हम इस ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और हमारा कैलकुलेशंस करेंगे, तो यहाँ पे हम दो चीजें देखने वाले हैं, एक तो हम ऊपर से नीचे देखने वाले हैं, तो उस टाइम हमें ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और पैरेलल लाइन के कंसेप्ट के ऊपर से ये एंगल और ये एंगल सेम आएगा, अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एलिवेशन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमारा काम करेंगे, तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अभी हम जाते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ। नाउ एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है, वील गो फॉर प्रॉब्लम्स, कहां पे एक्सरसाइज, और जो सॉल्व प्रॉब्लम है आपको देखना है, नहीं समझ में आया ये पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट आपको सॉल्व प्रॉब्लम देखने हैं, और सॉल्व प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे आपको, अगर आपने यहाँ पे मैं केयरफुली देखा तो ये सब सॉल्व प्रॉब्लम दिए है। अभी हम जाएंगे अनसॉल्व की तरफ, जाते हैं एक्सरसाइज, तो हमारे लिए वी आर गोइंग टू सी दिस, तो हमें सब में डायग्राम निकालना जरूरी है, सब में डायग्राम निकालना जरूरी है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चर्च निकाल लेते हैं, सो मेरे लिए एक चर्च है ये, दिस इज अ चर्च, ठीक है, और जो आदमी है दैट इज स्टैंडिंग 80 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च, तो ये 80 मीटर है, 80 मीटर है, और ये पर्सन यहाँ पे है, ठीक है ना, पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, लुकिंग एट इट स्टॉप, और ये आदमी जो है ये चर्च के टॉप के तरफ देख रहा है, दिस इज द टॉप ऑफ द चर्च, तो मैं यहाँ पे हम कुछ नाम देते थे, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी, इसको नाम देते सी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, इसको एच बोलेंगे हाइट, ए बी इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू चर्च है, चर्च, ये चर्च है, बी सी इज अ डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम चर्च, ठीक है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, मतलब ये वाला दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ए इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आपको चर्च का हाइट निकालना है, सो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे दिया थीटा दिया है, यहाँ पे अपोजिट साइड दिया है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड दिया है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये तीनों को रिलेट करता है, tan theta, tan theta, जनरली tan theta ने तो sin theta ही ज्यादा करके लगेगा आपको, तो इसके लिए बहुत सिंपल बहुत हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू मेरे पास है, ए बी मतलब एच और बी सी है मेरे पास 80, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा, इट इज अ tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 80 इज इक्वल टू एच, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफोर height of church is equal to 80 meter, समझ में आया प्रॉब्लम, इतना सिंपल प्रॉब्लम है, यस सर, आई यू अंडरस्टूड दिस, इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तो हमारा यहाँ पे पहला प्रॉब्लम हो गया, तो हमने चर्च का हाइट निकाला बाय चर्च के ऊपर जाए बगैर, बिकॉज आप देखो चर्च के ऊपर हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज वहां पे तो ऐसा पूरा ये बनाया रहता है, तो वी कैन नॉट गो, कहां तक जा सकते हैं, इसके लिए हम नीचे खड़े रह के भी उसका हाइट हमने गिन लिया, क्या पता होगा, थीटा पता है हमारे पास और ये डिस्टेंस पता है, तो हम जाते आगे सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम, तो आपको हमेशा यहाँ पे डायग्राम निकालना कंपलसरी है, ये ध्यान में रखना आपको, यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, सो हमारा दूसरा प्रॉब्लम,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस. लाइट हाउस कहां पे रहता है? समुद्र, सी के सी शोर पे रहता है. सो मैं यहां पे एक लाइट हाउस निकाल देता हूं. विल जस्ट ड्रॉ लाइट हाउस. ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है. और यहां पे सी शोर है. यहां पे मैं ऐसा समझता हूं कि यहां पे सी है, ठीक है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एक आदमी यहां पे खड़ा है, इधर टॉप में खड़ा है, टॉप में बैठा है. ऑब्जर्व लुकिंग एट द शिप एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. एक शिप यहां पे, एक शिप मैं यहां पे निकाल देता हूं. दिस इज शिप. ये जो आदमी है इसके तरफ देख रहा है, शिप के तरफ देख रहा है. लेकिन हमें यहाँ पे डिप्रेशन में हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना पड़ेगा. तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम ऐसा ऐसा वी विल एंगल ऑफ डिप्रेशन का लाइन हमेशा एंगल हम ऐसा लेने वाले. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा कितना दिया यहाँ पे डिप्रेशन का एंगल 60 डिग्री. कितना दिया है? 60 डिग्री. तो ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा. एग्री पैरेलल लाइन के हिसाब से. नाउ यस सर, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये हाइट जो दिया है ये 90 मीटर दिया है, 90 मीटर दिया है, तो हम इसको नाम देते हैं एबीसी. ये एबीसी है. फाइंड हाउ फार द शिप, मतलब हमें बीसी निकालना है, ये डिस्टेंस कितना हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमने डायग्राम में क्या क्या लिया. तो हम बोलेंगे लेट लेंथ एबी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस. हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है. पहला लेंथ बीसी क्या है? डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, फ्रॉम लाइट हाउस, ठीक है. डिस्टेंस ऑफ बीसी ये लाइट हाउस है. देन यहां पे मैं कुछ नाम देता हूं पी. एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकॉज हम नीचे देख रहे हैं, डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री. बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी. एग्री और नॉट? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल. तो मैंने यहाँ पे एंगल बता दिया. अभी मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल. सो व्हाट वी विल डू इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी थीटा पता है, अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट निकल है. विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे हम? थीटा पता है, अपोजिट पता है, एडजेसेंट निकाला है. टैन थीटा अगेन, जनरली आपको टैन थीटा ज्यादा लेना पड़ता है. टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. सो टैन ऑफ 60 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू मेरे पास है 90 मीटर डिवाइडेड बाय बी सी मुझे निकालना है. सो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा. यहाँ पे आएगा टैन 60 का वैल्यू रहता है रूट 3, हमें दिया है टैन 60. टैन 60 का वैल्यू टेबल में अगर आप देखोगे तो रूट 3 आता है 90 अपॉन बी सी. तो बी सी क्या आएगा? बी सी विल बी 90 रूट 3. अब यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू 1.73 दिया है, तो लेकिन हमें 1.73 से डिवाइड करने में थोड़ा तकलीफ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं. इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर. मैंने रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो बी सी क्या आया? 90 रूट 3 अपॉन नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3. तो दोनों का मल्टीप्लाई करें 3 आएगा. तो 3 से भी ये डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 30. तो बी सी क्या आएगा? बी सी विल बी 30 रूट 3. अभी मुझे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगा. 30 इंटू 1.73. तो बी सी को अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको ये खुद मल्टीप्लाई करना है. मैं फिलहाल कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 1.73 इंटू 30, तो ये ऐसा 51.9 मीटर आ रहा है, 51.9 मीटर. तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा? देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस क्या रहेगा? इज इक्वल टू 51.9 मीटर. समझ में आपको? यस सर. ओके, तो इतना सिंपल है. बस एक ही ट्रिग्नोमीटर का डायग्राम निकालना है आपको और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देना है.
तो मेरा सेकंड प्रॉब्लम हो गया। हम जाते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम नाउ, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं यहां पे क्या है। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर। टू, दो बिल्डिंग है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो मैं यहां पे बिल्डिंग निकाल देता हूं। ये पहला बिल्डिंग है, दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग, और ये दूसरा बिल्डिंग है। ठीक है, दूसरा बिल्डिंग है और बीच में रोड है, बीच में रोड है। ठीक है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड 12 मीटर वाइड। तो ये जो है ये 12 मीटर दिया है, समझ में आया, 12 मीटर दिया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप से, विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बात करें तो हम ये वाला बिल्डिंग लेंगे, बिकॉज हमें ऊपर देखना है। तो इसको मैं बोलता हूँ 10 मीटर है। देखो उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मैं इसको फर्स्ट पकड़ लेता हूँ, विच इज 10 मीटर हाई, जो 10 मीटर ऊंचा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60। मतलब एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है मतलब यहाँ पे देख रहा है, तो एलिवेशन होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये बिल्डिंग को ये लिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थीटा है, ये यहाँ पे उन्होंने दिया 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड, ये सेकंड बिल्डिंग का हाइट पूछा है, इसका हाइट 10 मीटर दिया है, रोड के बीच में 12 मीटर का गैप है। प्रॉब्लम का समझ में आया सभी? ओके यस सर। अभी हम इसको इसको नाम दे देते, इसको नाम देते, ये ए बी है। सो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग ये कितना है, 10 मीटर है, ये दिया है। इसको नाम देते सीडी, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, ये दूसरा बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग है, वो हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। बीडी जो है, बीडी क्या है, विड्थ ऑफ रोड है, विड्थ ऑफ रोड है, वो कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, और ये जो एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ पी। सो एपी जो है, एपी परपेंडिकुलर ऑन सीडी, एपी परपेंडिकुलर सीडी कंस्ट्रक्शन है मेरा, कंस्ट्रक्शन है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल सीएपी 60 डिग्री दिया है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान में रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर देखना चाहिए, इसके लिए एलिवेशन। तो मेरा ये सब कुछ हो गया, समझ में आया सबको मैंने क्या क्या लिखा यहाँ पे? यस सर। यस सर। अभी हम जाते हैं ऊपर थोड़ा सा, अभी लिखते हैं यहाँ पे। अभी मुझे बिल्डिंग का हाइट निकाल, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वाड्रिलेटरल ए पी डी बी इज रेक्टेंगल, यस और नो? यस सर। रेक्टेंगल हो गया, बराबर है। देयरफॉर length BD is equal to length AP, length AB is equal to length PD. क्यों ऐसा क्यों लिखेंगे? opposite side of rectangle, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। इसका मतलब हमें पता होगा कि length BD जो है is equal to length AP जो है is equal to 12 हम लिखेंगे मीटर, length AB जो है, लेंथ पीडी जो है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, इसको हम, ये अभी मेरे लिए 10 मीटर हो गया, ये मेरे लिए 12 मीटर हो गया, इसको मैं एक्स पकड़ता हूँ फिलहाल। लेट लेंथ सीपी इज इक्वल टू एक्स, सीपी को एक्स पकड़ता हूँ। तो मैं अभी देखो, मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल सीपीए, यहाँ पे देखो मुझे ये निकालना है, ये पता है मुझे 12 मीटर है, एंगल पता है, तो अपोजिट साइड निकालना है, एडजेसेंट पता है और थीटा दिया है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा यहाँ पे बोलो? अपोजिट एडजेसेंट थीटा,
tan theta. Correct, Anna? Cp upon PA. Cp upon PA. So tan 60. Tan 60 is equal to Cp कितना x है, PA कितना है 12 है. So यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, therefore tan 60 का वैल्यू रहता है root 3. ये आपको पता होना चाहिए. X upon 12. तो root 3 into 12 is equal to x. Root 3 का वैल्यू मैं लेता हूँ 1.73. ये भी मुझे पता होना चाहिए 1.73. तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर पे 1.73 into 12. ये आ रहा है 20.76. X is equal to. तो X मुझे आया. तभी मुझे हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है. Therefore, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी पी प्लस पी डी. क्या आएगा? सी पी प्लस पी डी. सी पी कितना है? 20.76 प्लस पी डी कितना है? 10. तो कितना आएगा टोटल? 30.76 मीटर. 30.76. देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30.76 मीटर. मेरा मीटिंग बंद हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ. समझ में आया? यस सर. तो हमारा यह प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया. ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30.76 मीटर. समझ में आया? क्लियर है? यस सर. ओके ठीक है, ज्वाइन करो फिर से.